अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है और हिसाब किताब के बहुत पक्के हैं तो 6,570 वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्ट्स रसो। दोस्तों, बहुत खास वैकेंसीज लेकर आ गया हूँ उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं और हिसाब किताब के बहुत पक्के हैं। तो उनके लिए वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं दोस्तों, बिहार लेखपाल आईटी सहायक के लिए 6,570 वैकेंसीज हैं। सब बात करेंगे इसकी डिटेल में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इन क्वालिफिकेशन में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके ओवरव्यू की दोस्तों। सो यहाँ पर देखिए, जो जिसके ये अंडर जॉब आती है वो कौन सा डिपार्टमेंट रहने वाला है दोस्तों, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायत राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। तो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हमारी ये हो गई। अब देखिए पोस्ट नेम क्या रहेगा, तो अकाउंटेंट की दोस्तों ये पोस्ट है, इसको हम लेखपाल आईटी सहायक भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जैसी मैंने बताई, टोटल जो है 6,570 हैं, मेल्स के लिए हैं 4,270 और फीमेल्स के लिए हैं 2300 वैकेंसीज। इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। सो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन शुरू 15 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं, और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 14 मई है, राइट। सो यहाँ पर देखिए कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट जॉब है ऑब्वियसली ये, और एग्ज़ाम एप्लीकेशन मोड आपको जो फॉर्म सबमिट करना है वो ऑनलाइन ही होगा, राइट, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एक होना है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है भाई। सो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन बहुत खास है, ये बहुत ध्यान से देख लेना भाई, क्योंकि सभी ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चुनिंदा लोग बीकॉम, एमकॉम, सीए और सीए बीकॉम इंटर क्वालिफाइड को प्रेफर्ड किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, राइट। सो यहाँ पर देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है bgsys.bihar.gov.in है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दो, या फिर मैं इसका डायरेक्ट लिंक एप्लीकेशन का अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो लास्ट डेट के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 14 मई इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ये अप्रैल नहीं है, ये 14 मई है। एप्लीकेशन 15 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन इसका 12 अप्रैल को आया था, ठीक है। तो फटाफट से जाके अभी अप्लाई कर देना, ज़्यादा टाइम मत लेना, वरना बच्चे क्या करते हैं कल पर टालते रहते हैं और वैकेंसी उनके हाथ से निकल जाती है, लास्ट डेट फॉर्म की सबमिट करने की वो निकल जाती है उनके हाथ से, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ऐसी और एग्जामिनेशन अपडेट्स के लिए और मैथ्स और रीजनिंग को आसान तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।